अच्छा हेलो बच्चों, आप लोगों ने जो मैंने फ्रैक्शन लास्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन वाले सॉरी एडिशन वाले सिखाए थे, एडिशन के ऊपर वर्कशीट भी भेजी है। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर पर ये हो गया आप लोगों का तो, और आप लोग कर रहे हो। मैंने फिर आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर प्रैक्टिस। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे करना है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन का किस तरह फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो मैं आपको एक दो एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। ये देखो, जैसे यहाँ 2/3 मल्टीप्लाइड विद 1/4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमेटर को डिनोमेटर से मल्टीप्लाई करोगे। 2 1s are 2, 3 4s are 12। अब आप अगर ये आप लोएस्ट फॉर्म में करना चाहो तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। 2 1s are 2, 6s are 1/6, इसका लोएस्ट फॉर्म आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन में कैसे किया? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमेटर से डिनोमेटर को मल्टीप्लाई। एक और बात, जैसे आपको दिया 3 1/5 इंटू 4 2/8, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। तो पहले आपका मेथड है, इसको स्टैंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना। 5 5 3 15 + 1 16, 8 4 32 + 2 34 / 8, ये आ गया आपका। अब इसके बाद आपका प्रोसेस है कि अगर न्यूमरेट ये ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो तो कैंसिल कर देने का। जैसे अभी देखो 8 1 8 8 2 16, कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 34 68 5 1 5, ये आ गया। ठीक है, अब इसके आगे कैंसिलाइज नहीं हो रहा तो आपका प्रोसेस है कि आप क्या करो, इसको लोएस्ट फॉर्म मतलब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 5 1s are 5 5 3s are 15 3/5, ये आपका इसका वैल्यू होगा। अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में तो उसको आंसर भी मिक्स में लाने की कोशिश करो, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये आ गया आप लोगों का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एक से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो तो कैसे करें? थ्री 1/2 2 1/3 5 1/4, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई? सॉल्यूशन, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। 2 2 3 6 + 1 7 3 3 2 6 + 1 7 into 5 4 5 4 20 21। अब देखो कोई टर्म कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल, ये कैंसिल। 3 1 3 7। अब कोई कैंसिल नहीं रहा तो सिंपल मल्टीप्लाई। 7 into 7 into 7 2 into 4 343 divided by 8 49 49 7 343। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है और आपका आपको आंसर मिक्स फ्रैक्शन में था तो आप मिक्स में कन्वर्ट करो। 8 4 32 23 8 2 16 16 20 13 - 7 8, ये इसका फाइनल आंसर है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ रहा है? और दो टाइप बताओ, जैसे आपको यहाँ दिया है 1/4 into 8/3 into 6/2 6/7 into 4/5, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। दो से ज्यादा हो तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, जो कैंसिल हो कैंसिल कर दो। 4 1s are 4 2s are 3 1s are 3 2s, और कोई कैंसिल नहीं हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 2 into 2 into 4
यहाँ आपका 7 × 5, 4 × 4 = 16/35, ये इसका सॉल्यूशन। तो ये आपने देखा मल्टीप्लिकेशन कैसे हम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम पूरा क्लियर हो गया। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एप्लीकेशंस कैसे आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। Price of 1 kg sugar is ₹42. Find price of 5 kg sugar. Price of 1 kg sugar is ₹42. What should be the price of 5 kg sugar? अगर आप 1 kg sugar 100 पेपर से खरीदते हैं, वो आपको देते हैं, उसका कॉस्ट ₹42, तो आपको 5 kg अगर खरीदना है तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो आपको पता है कि प्राइस तो हमेशा 2 लेंगे तो आपको डबल करना है, 3 लेंगे तो ×3 करना पड़ेगा, 4, तो यहाँ सिंपल मल्टीप्लीकेशन का रूल है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले तो आप स्टेटमेंट्स लिख दो जैसा लिखा हुआ है। सॉल्यूशन, प्राइस ऑफ 1 kg सुगर इक्वल टू ₹42, देयरफॉर प्राइस ऑफ 5 kg सुगर इक्वल टू 42 × 5, 5 × 4 = 20, तो यहाँ आ गया 210। ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अभी मैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आपको पूछा है तो कैसे करना है, इफ द कॉस्ट ऑफ क्लोथ पर मीटर इज ₹20 / 1/3, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लोथ 3 × 1/4 meter। देखो इसमें आपको साफ लिखा है, अगर आप 1 meter क्लोथ खरीदते हैं तो आपको इतना पेमेंट करना है, उसकी जगह अगर आप क्लोथ खरीदते हैं 3 × 1/4 meter तो आपको कितना पेमेंट करना है? आपको पता है जैसे जैसे प्राय बढ़ेगा वो उसी तरह से मल्टीप्लाई होते हुए आगे जाएगा। तो इसमें 1 meter का ये है तो इतने मीटर का इतना हुआ, तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप उतने मीटर का कॉस्ट फाइंड कर। सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 1 meter इक्वल टू ₹20 / 1/3, दैट इज 61/3 rupees, therefore cost of कितना हमें चाहिए, 3 × 1/4 = 13/4 meter is 61/3 × 13/4, कैंसिल नहीं होता डायरेक्ट, 13 × 13 = 78 + 1 = 79/12 रुपीस। इसको मिक्स में क्या है, 12 × 72 = 73 1/12 rupees, 66 × 1/12 rupees उसको पेमेंट करना है 3 × 1/4 meter ऑफ क्लोथ का, ठीक है। ये समझ आया मेथड कैसे किया हम लोगों ने, अब इसका नेक्स्ट।
define distance covered by train in 4 1/2 hours. अगर आप ध्यान से देखें तो स्पीड ऑफ द ट्रेन 100 किलोमीटर पर आ, इसका मतलब है एक आर में 100 किलोमीटर कवर करें। अगर आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन दिस मच आर में फाइंड करना है तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा है, तो इसमें आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल डालना है। सॉल्यूशन, स्पीड डिस्टेंस covered in 1 hour is 100 kilometers. So distance covered in 9/2 hours equal to 100 into 9/2, 900/2, 450 kilometer distance is covered by the train. Therefore, distance covered by train in 4 1/2 hour is nothing but 450 kilometer. ठीक है, ये आ गया आपके, मतलब एप्लीकेशन ऐसे ही छोटे, मतलब इसमें आपको सिंपल ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है। अच्छा, लास्ट टाइम कुछ बच्चों के क्वेरीज थी, जैसे उनको मैंने उसमें दिया था सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्लियर हो गया, लेकिन लीनियर वाले में वो इक्वेशन बनाने में उनको दिक्कत आ रही, तो हम देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन था उनका, x कैसे ढूंढे, 3x-5 या तो 5x-10, इसमें x की वैल्यू ढूंढना था। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, इन दोनों का सम, 5x-10 + 3x-5 = 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में हमेशा सम आपका होता है 180। आपने इसको ऐड किया, 8x-15 = 180, 8x = 180 + 15, इक्वेशन 8x = 195, x = 195/8, तो x is 8 2 16 35, 8 4 32, 3/8, इतना x का वैल्यू है। तो ये है x क्यूब कैसे कैलकुलेट करना है। फिर था उनको x और y का वैल्यू ढूंढने में दिक्कत आ रही है, जैसे अभी आप लोगों का ये क्वेश्चन था, ये x, ये y, आपको बोला फोर्स लाइन यानी लाइन पैरेलल है, और पैरेलल होने से क्या होता है, ये दोनों आपके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो ये क्रॉस एंगल है, x = 60, ये क्रॉस एंगल हुए, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सेम वैसे y = 70, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, डायरेक्टली आपका आंसर था, इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जैसे ये 60 दिया था, ये 70 दिया था, तो ये वाला एंगल ढूंढने के लिए बोला है, और ये वाला एंगल ढूंढने को बोला है 100। आपको पता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट हो गया, तो ये डायरेक्टली x = 16 ऑल्टरनेट, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो, देखो ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, एफ से बन रहे, देखो ये एफ आ रहा है, एफ, तो ये करस्पॉन्डिंग हो गया 70, corresponding angles,
करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये आगे करेस्पॉन्डिंग, तो इसके आप और ये एंगल ढूंढना है तो बहुत आसान हो गया। अब आपको पता है कि ये 70, ये 60, तो ये तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो आपने यहाँ लिख 60 प्लस, सपोज ये z है, 60 प्लस z प्लस x, x इज 70 इज इक्वल टू 180, स्ट्रेट लाइन। तो 60 प्लस 70 130 प्लस z इज इक्वल टू 180, और z इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो z का वैल्यू आपका 50 डिग्री निकल आया। तो ये आपको ध्यान देना है कि करिस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, समझ आ गया। तो आज इतना तुम तैयार रखो, अपने नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।